So, hello everyone, this is Deepak Joshi, and now today we are here to solve another question of HackerRank problem solving, Caesar Cipher basically. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जूलियस नाम की, आई डोंट नो इफ शी इज अ गर्ल और अ बॉय, बट जूलियस नाम की हमें, हम मान लेते हैं कि वो एक लड़के हैं. तो जूलियस नाम की एक लड़की है. पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है? तो उतना डर के नहीं चलेंगे. अगर आप YouTube वीडियो देखने आए हैं इसकी, मतलब देखते हैं कैसे कैसे करने वाले हैं. सबसे पहले हमें ना ये दिया है कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी, ठीक है, ओके, और एक के, एक इंटीजर गिवन होगा. इट मींस हमें इस स्ट्रिंग को इनक्रिप्ट करना है. वो कैसे करेंगे देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमें के की वैल्यू 3 गिवन है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो भी अल्फाबेट्स, हमें ओरिजिनल अल्फाबेट्स ये हैं, इनको हम 3 से रोटेट कर देंगे. मींस 3 से रोटेट किया ना, तो एबीसी देखो पीछे चले गया, तो 3 से हमने लेफ्ट साइड रोटेट कर दिया है. तो हमें इसी तरीके से काम करना है. तो जब हम इन्हें रोटेट कर देंगे, तो उसके बाद अब जो हमारा टी था, वो ध्यान से देखो किससे रिप्लेस हो जाएगा. टी हमारा रिप्लेस हो गया डब्ल्यू से. जो एच था, वो ध्यान से देखो, एच हमारा यहाँ पे ओरिजिनली यहाँ पे था, लेकिन अब वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, के से. तो देखो यहाँ पे के से रिप्लेस हो गया है, ठीक है. अब उसके बाद हमारा ई था, तो ई विल बी रिप्लेस टू एच, है ना, विथ एच. तो यहाँ पे एच आ गया. तो इस तरीके से हमें नई स्ट्रिंग इनक्रप्ट करके दे देनी है, दैट्स इट. यहाँ पे भी कई एग्जाम्पल हमें दिए हैं कि मिडल आउट्स को 2 से रोटेट करो, तो ओरिजिनल अल्फाबेट को हम रोटेट करेंगे, तो वो 2 से, तो वो बनेगा ए बी एंड में चले जाएगा, ओके. उसके बाद हम एम हमारा कन्वर्ट होगा ओ में, आई कन्वर्ट होगा के में, डी कन्वर्ट होगा एफ में, डैश डैश रहेगा और ओ क्यू में कन्वर्ट होगा. इस तरीके से कन्वर्जन हो जाएगा, ओके. देखते हैं कैसे करने वाले हैं. हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन रहेगा. हमें गिवन रहेगा के, कि हमें अपने ओरिजिनल अल्फाबेट्स को कितने से रोटेट करना है लेफ्ट में, और हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी बेसिकली. तो सबसे पहले मैं स्ट्रिंग का साइज निकाल लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि फॉर लूप तो चलेगा ना भैया, तो क्योंकि हमें ट्रेस करना है, ठीक है, आई प्लस प्लस. अब देखो इसको ना कई और तरीके से भी किया गया है, कि इस अपर केस, इस लोअर केस. हमें तो पता है स्ट्रिंग के अंदर बहुत आसान होता है पहचानना कि वो अपर केस है या लोअर केस है. कैसे चेक करते हैं, ऐसे चेक करते हैं. मैंने पहले वाली वीडियोस में भी शायद ये चीज यूज की है, ओके. तो अगर ये चीज ए से बड़ी है, एंड एस ऑफ आई अगर हमारा जेड से छोटा है, तो सिंपली हमें कुछ कुछ करना होगा, देख बताऊंगा क्या करेंगे. और एल्स इफ, एल्स इफ क्या होगा, या तो अब यहाँ पे एल्स लिख के मैं छोड़ नहीं सकता ना, कि अभी देखो मानो इस वाले में छोटे आ गए, तो तुम ये नहीं मान सकते कि इस वाले में हम बिग आएंगे, भैया एलसी लिख दो, एलसीएफ क्यों लिख रहे हो. बट हो सकता है इस तरीके से कोई साइन आ जाए, या फिर कोई इंटीजर आ जाए, या फिर कोई ऐसी चीज आ जाए जो अल्फाबेट ही नहीं है. तो उस चीज से बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम इस तरीके से काम करेंगे कि ए से बड़ा है, एंड एस एस ऑफ आई हमारा, आई एम सॉरी, जेड से छोटा है, ठीक है. इस तरीके से हम काम कर रहे होंगे. अब उसके बाद एल्स केस होगा, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, सिंपल. अब जो भी हमने स्ट्रिंग में चेंजेस किए होंगे, उसको हम रिटर्न करा देंगे, ठीक है. तो इफ में हम क्या करेंगे, अब देख लेते हैं. देखो सबसे पहले हमें अपडेट कराना है उस आईएथ पोजीशन वाली स्ट्रिंग को. कैसे कराएंगे, देखो इसे हमें अपडेट कराना है, ओके. कैसे कराएंगे ध्यान से देखना. सबसे पहले मेरे को इस एस ऑफ आई, जो भी हमारा इंटीजर अभी कैरेक्टर इस पर्टिकुलर पोजीशन पर होगा, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इंटीजर में. तो वो इस तरीके से होता है, माइनस करते हैं ना. देखो एस ऑफ आई में से अगर मैं माइनस ए कर दूंगा, तो मेरा को एक इंटीजर मिलेगा, ठीक है. मैं नहीं चाह रहा, मैं तुम इसे कर सकते हो कि तुम पहले ओरिजिनल अल्फाबेट की एक स्ट्रिंग बनाओ, फिर उसको कन्वर्ट करो रोटेटेड अल्फाबेट में, फिर उसके बाद यहाँ पे एस ऑफ आई को अपडेट कर दो. वो सब मत करो, यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगा लो. देखो एस ऑफ आई है मतलब जो हमारा अभी करंट कैरेक्टर है, उसमें से तुमने ए माइनस करा, यू विल गेट अ इंटीजर, है ना. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसका एस्काई कोड कुछ भी मान लो 65, कुछ भी, मतलब उसमें से तुमने ए का एस्काई कोड माइनस करा, तो तुम्हें इंटीजर मिलेगा. ये चीज याद रखना, याद क्या रखना, मतलब समझ के रखना, क्योंकि काम आती है काफी जगह पे, ठीक है. तो यहाँ तुम्हें एक इंटीजर मिला, अब उसमें तुम सिंपली क्या ऐड कर दो, के, दैट्स इट. तुमने उसमें के ऐड कर दिया, तुम्हें मिल चुका है, क्योंकि तुम उतना आगे चले गए ना. फॉर एग्जाम्पल देखो तुम्हें एम था, तुम एम से 2 आगे चले गए, ठीक है. कितना हो गया, एन ओ, एम एन ओ होता है ना, तो एन ओ 2 आगे चले गए, तो ओ, इसीलिए मैंने +2 कर दिया, प्लस के कर दिया बेसिकली. अब एक चीज हमें और ध्यान रखनी पड़ेगी, कि भाई ऐसा ना हो कि प्लस के करने पर वो हमारा 26 की रेंज से ही बाहर चले जाए. मींस अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं ना,
तो उसकी रेंज से बाहर ना जाए, इसीलिए मैं यहाँ पे परसेंटेज ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो हमें एक इंटीजर नंबर मिलेगा जो पूरा का पूरा यहाँ तक है ना, ये चीज हमें एक इंटीजर नंबर देगी, बट वी वॉन्ट द अल्फाबेट टू बी अपडेटेड इन द एस ऑफ आई, तो हम यहाँ पे इसमें सिंपली वापस प्लस कर देंगे ए। आशा करता हूँ ये चीज समझ में आई है। हमने क्या किया है, एक बार फिर से करता हूँ, ठीक है, तो रिमूव करते हैं। देखो मैंने क्या कहा, एस ऑफ आई को मेरे को अपडेट करना है, कैसे करेंगे, सिंपली सबसे पहले मैं एस ऑफ आई में से माइनस करूंगा ए। माइनस करने पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें वो इंटीजर मिल जाएगा। ठीक है, अब मेरे को रोटेट करना है तो मैं प्लस के कर दूंगा। ठीक है, अब ये रेंज से बाहर ना चले जाए अल्फाबेट की, तो मैं इसे वापस 26 से 26 से कम इंटीजर बना दूंगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, 26 से कम इंटीजर बना दिया है या फिर ठीक है लेस देन इक्वल टू बना दिया है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसे वापस कैरेक्टर हमें बनाना होगा, इसलिए हम प्लस ए कर देंगे। सिंपल, एलसीएफ में भी सेम लॉजिक लगाना है हमें कि एस ऑफ आई इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, एस ऑफ आई में माइनस करेंगे, इस बार कैपिटल माइनस करेंगे। ठीक है, कैपिटल ए माइनस करा आपने, ओके, देन हम इसमें क्या करेंगे, प्लस के कर देंगे, ओके, देन यहाँ पे हम परसेंटेज ले लेंगे किसका, 26 का, ओके, और ये इंटीजर है, इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना होगा, इसीलिए हम इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे। दैट्स इट, ठीक है, इतना ही हमें इस क्वेश्चन में करना था। ये हमारा लॉजिक पूरा बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, अब जो अब यहाँ पे हमने उस चीज को हाथ नहीं लगाया जो हमारा या तो कोई डैश था या फिर अदर देन कैरेक्टर था, क्योंकि उस पर कोई अपडेशन हमें करना नहीं है। क्वेश्चन स्टेटमेंट में एक बार पढ़ लेना, ठीक है, लेट्स रन इट, और अगर कोई हमने बग किया है तो देखते हैं। सक्सेसफुली रन तो हो गए, लेट्स सबमिट इट, तो ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो गए, तो इतना ही था, थैंक यू।